इसके पहले के वीडियो में 13 मार्च को मैंने आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ सुझाव दिया था, कुछ शर्तें बताई थी, जैसे कि हाथ किसी से ना मिलाना, किसी से गले ना मिलना और अपने हाथों को साबुन से 3-4 बार दिन में धोना, दूर से ही नमस्कार करना, गले मिलने के बजाय मुस्कुरा देना वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कई बार मोबाइल के जरिए आप लोगों को इसकी चेतावनी दी, मगर फिर भी लोगों ने इस पर अमल नहीं किया। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, मैंने कहा, फिर भी कोई अमल नहीं हुआ। कोरोना वायरस बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि आखिरकार आपको मुंह पे मास्क बांधना पड़ा और हाथों में ग्लव्स डालने का ऑर्डर आया। इसके और आगे भारत बंद, भारत लॉकडाउन हो गया। यहां तक के कर्फ्यू का टाइम आ गया, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, फिर भी लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग बाहर घूम रहे हैं, पुलिस के डंडे खा के भी लोग बाहर निकल रहे हैं। इस बात का मुझे अफसोस है। हमारे कुछ मुसलमान भाई कहते हैं कि कोरोना वायरस से हमें डर नहीं, हमें अल्लाह से डर है, हम तो निकलेंगे। हमारे हिंदू भाई लोग कहते हैं कि 33 करोड़ भगवान हमारे पीछे है, हमारा कोरोना वायरस क्या बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं है। दुनिया में इतना पाप बढ़ गया है, इतना गुनाह बढ़ गया है कि ऊपर वाले की तरफ से ही हमें आजाद है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम आपस में लड़ने लगे, हम एक दूसरे को मारने लगे, हम अपने माँ बाप की खिदमत करने के बजाय उन्हें तकलीफ देने लगे, उनकी बददुआएं जाने लगी। हम आपस में लड़ने के बजाय मिल के रहना चाहिए था। जाति भेद किए, ये हिंदू ये मुसलमान, जाति भेद करने की वजह से भी बहुत सा हमारा नुकसान हुआ है। अगर हम अपने भगवान, अपने अल्लाह से दुआ मांगे कि हम सुधर जाते हैं तो शायद ये सब कुछ टल सकता है। इसलिए अपने भगवान, जो लोग भगवान को मानते हैं, जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने भगवान और अल्लाह से माफ़ी मांगे कि जो भी गलती हुई है मालिक उसे माफ़ कर दे, तो शायद उनके कर्म से, उनके रहम से ये कोरोना वायरस भाग जाए। अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनके दुआएं लेंगे। ज़मीन पे भगवान का रूप अगर है तो वो अपने माँ बाप है। माँ बाप की सेवा कीजिए, दिल के अंदर से मैल निकालिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए, कुछ नहीं कोरोना वायरस तुम्हारा करेगा, भाग जाएगा छोड़ के। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपको ये मेरा स्पीच कैसे लगा? अच्छा लगा ना? तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल किस्मत वीडियोस को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल का आइटम दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अभी आपके मनोरंजन के लिए मैं एक गाना पेश करता हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सतर्क रहें, खुश रहें, जय हिंद।